और एक चीज़ हम आप लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे, कई बार मेडिटेशन को लेके जो भी हमारी गाइडेंस होती है उस चीज़ को लेके पर्सनली हम आपसे कहना चाहेंगे कि हम एक बहुत साधारण से व्यक्ति हैं, हमें जो जो प्रेरणा मिली उस हिसाब से हम चले, और उस हिसाब से हमें अपने जीवन में जो सबसे अमूल्य चीज़ मिली है ना, वो शांति है, मन की शांति। तो हमें लगता है कि वो सबसे बड़ी धरोहर है हमारे जीवन की। और दूसरी चीज़ जो मिली है वो डिवोशन मिला है, भगवान के चरणों में मन लगा रहे, ये एक प्रेरणा जो मिली है ये भी मेरे जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर है। तो उसी कारण जो भी शांति हमें मिली है, बस उसी शांति को आप लोगों तक बांटने का हमारा छोटा सा प्रयास है। तो जब भी हम ध्यान के विषय में बात करते हैं तो उससे हमारा अर्थ इस चीज़ से नहीं होता है कि हम आपको ध्यान की विधि बताएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे और जादू हो जाएगा, हम आपको मंत्रों के बारे में बताएंगे तो मंत्र सिद्धि करके आप सातवें आसमान पे पहुंच जाएंगे। देखिए, हम आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते हैं, हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है कि हम कुछ ऐसा बताएं जो एबनॉर्मल सा हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हम आपकी चेतना की शुद्धता की बात करते हैं, आपकी चेतना की पवित्रता की बात करते हैं और आपकी जागरूकता की बात करते हैं। शुद्धता का और चेतना का उदर्वगमन हो, जीवन सुंदर हो, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम इस बारे में बात करते हैं। और मंत्रों के लिए भी इसीलिए प्रेरणा आपको देते रहते हैं जिससे कि शांति बनी रहे जीवन में, यही हमारा उद्देश्य है। आप किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा, हम कभी नहीं कहेंगे कि आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, कभी बैलेंस को मत खोइएगा अपने जीवन में। यहाँ भी आपको संतुलन चाहिए तो संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है ना। वही करें जिससे कि आपके स्पिरिचुअल और ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, ये जो लाइफ है, इस इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। और कभी कुछ ऐसा करने की आपको प्रेरणा नहीं देते हैं कि सब कुछ छोड़ दे और ऐसा कर, नहीं, ऐसा कभी नहीं। यहाँ पे रहते हुए हम भी सुंदर अपना जीवन बनाएं, लोगों को प्रेरणा दें कि उनका जीवन सुंदर हो, बस हमारा इतना प्रयास रहता है। लेकिन हमारा प्रयास आपको किसी भ्रम में रखना नहीं होता है, हमारा प्रयास बस चाहते हैं कि जीवन सुंदर हो, इतनी जागरूकता सभी के जीवन में हो कि अपने सही निर्णय ले सके, क्या सही है क्या गलत है, इतनी बुद्धि खुल जाए कि हम उतना देख सके। बस अगर इतना जीवन में आ गया तो फिर क्या है, फिर आप अपनी दिशा भी अच्छे से उसका चयन कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, अपना भी जीवन सुंदर बनाएंगे, दूसरों का भी जीवन सुंदर बनाएंगे। तो आपसे यही प्रार्थना है कि हर चीज़ का सही अर्थ समझें, सही अर्थ लें और हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है तो बैलेंस को भी बना के रखें। और कोई भी ऐसे क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप उसे पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। ओम शिव।